हमने सुबह आपको कहा था, हमने सारे हिंदुस्तान की प्रेस को आज निमंत्रण दिया था और हिंदुस्तान की प्रेस सारे अपने जो भी अड़चने थी उनको हटाकर आपकी न्यूज को कवर करने के लिए हमारे बीच में है। मैं सबसे पहले उनका आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मीटिंग के समय के मुताबिक रेलवे बोर्ड में चेयरमैन रेलवे बोर्ड हमारा इंतजार कर रहे थे, आज अभी 3 बजे प्रधानमंत्री से मीटिंग है रेलवे मंत्री की, परंतु उन्होंने आपके लिए समय निकाला हुआ था, खाना भी उन्होंने अपना खाया नहीं था। उन्होंने आते ही कहा, इनके सामने कहा कि हरभजन सिंह मैं करना चाहता हूं, परंतु हमने लीगल एडवाइस मांगी थी, उसने इसमें अड़चन पैदा की है। मैंने कहा लोहानी साहब मैं आपको रूल देता हूं, इस रूल के तहत आप बड़े आराम से इनका काम कर देंगे। वो रूल को मैंने अपने लेटर में लगा के दिया है, वो लेटर की कॉपी मैं आपको दे दूंगा, हिंदी इंग्लिश में है, वो सारे कुली भाइयों के पास चले जाए, हिंदी पढ़ने वाला हिंदी में पढ़ सकता है और इंग्लिश वाला इंग्लिश में पढ़ सकता है। हमारे रेलवे बोर्ड का कानून है, जो स्टेशनों में आपकी तरह पैसेंजर को वहां पर चाय पकौड़े रेलवे के कमीशन पर बेचते हैं, शाम को उनको 5 रुपए 10 रुपए कमीशन मिलता है, उनको रेलवे एम्प्लॉय बनाने के लिए रेलवे बोर्ड का आदेश है। हमने कहा कि अगर कमीशन वेंडर जिसका रेलवे से कोई लेना देना नहीं, वो भी पैसेंजर की सेवा करता है जैसे कुली कर रहा है, अगर उसको कानून के तहत रेलवे एम्प्लॉय बनाया जा सकता है, हजारों कमीशन वेंडर हमने रेलवे एम्प्लॉय बनाए हैं, तो उन्होंने उसी वक्त उसको मेरे लेटर पर नोट किया और मेरे सामने टेलीफोन पर एडिशनल मेंबर रेलवे बोर्ड से बात की और एडिशनल रेलवे बोर्ड मेंबर ने कहा कि ये बात सही है कि हम उनको रेलवे एम्प्लॉय बनाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि उनको वन टाइम सबको रेलवे एम्प्लॉय बनाओ। तो उन्होंने कहा कि तुरंत उस ऑर्डर को इस मेरे आदेश पर लिंक करके आप मेरे पास पेश करिए, और उन्होंने मेरे सामने ही डीजी डायरेक्टर जनरल से बात की और आपके सब साथियों के सामने उसने कहा कि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि इनको जॉब मिल जाए, रेगुलर एम्प्लॉय हो जाए। तो अभी वो फाइल लिंक होगी, मैं उनको और भी कोर्ट का ऑर्डर भी, जितने रेलवे एम्प्लॉय लास्ट हमने कमीशन वेंडरों को रेलवे एम्प्लॉय बनाया वो भी उसको लिस्ट दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं एक हफ्ते के बाद आपको दोबारा बुलाऊंगा। फिर हम चले गए मंत्री के पास, मंत्री के पास कोई दूसरे मंत्री आके बैठे हुए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री का मिलने का टाइम भी था, परंतु उन्होंने उनके पीएस ने जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, उनसे बात हुई, राजेंद्र हमारे साथ में था, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून मैंने देखा नहीं है। मैंने कहा हमारे पास है, हम दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको लिस्ट, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और रेलवे बोर्ड का ऑर्डर अगर हमारे को आप पहुंचा दें तो हम इस लाइन पर इसको रास्ते पे चला देंगे और आपका काम हो जाएगा। और अभी अभी ये जिंदाबाद तो आप हैं, जिंदाबाद आप हैं और आप लोगों की ताकत के ऊपर ही सब कुछ है। हरभजन सिंह 3200 घूमते हैं हिंदुस्तान में, कोई नहीं पूछता हरभजन सिंह को, हरभजन सिंह को पूछते हैं तो आपकी ताकत के ऊपर पूछते हैं। मैं हिंदुस्तान का, हिंद मजदूर सभा का अगर महामंत्री हूं तो मेरे से बात करते हैं, अन्यथा हरभजन सिंह बहुत घूमते हैं, किसी से कोई बात नहीं करता है। ताकत आप लोगों की है और उस ताकत को आपके भले के लिए पीसफुली ईमानदारी से आपका काम कराना फर्ज हमारा है, क्योंकि आप लोगों ने माला पहनाते हैं हमारे को, हमारे नारे लगाते हैं आप। नारा जो है पैसे से नहीं खरीदा जाता है, नारा पैसे से नहीं खरीदा जाता है, नारा किसी गरीब आदमी का काम करो उसके दिल से निकली हुई दवा जो है वो सबसे बड़ी चीज होती है। हमने जिंदगी में आपकी दुआ ली है तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है जिस रास्ते आपका केस चलाया है। आने वाले कुछ ही समय में मेरे को एक कुली भाई ने बताया कि साहब हमारे 25 MPO ने लिखा हुआ है। भाई MP तो वो मेंबर पार्लियामेंट है, हम तो मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, हम तो जो है सड़क साफ लीडर है, आपके बीच में से लीडर हैं। तो हमने उनको लेटरों को पढ़ लिया सारे MPO का और उनको ये प्राइम मिनिस्टर ने भी जवाब दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, आपको जवाब दिया जाएगा। परंतु अभी मैं उम्मीद करता हूं कि ये रास्ते पे लगा है
और अगले हफ्ते जैसे ही सीआरबी की तरफ से मैसेज आएगा मुझे बुलाया जाएगा और यहाँ पीयूष गोयल जी को भी मैं हैंड ओवर कराया आपके सारे दस्तखत किए हुए जो बंच का बंच आपने हिंदुस्तान से दस्तखत करा के मेरे को दिया वो मैंने अपने लेटर के साथ उनके पीएस को दे दिया है। पीएस ने भी उसमें मंत्री को मार करके पुटअप कर दिया है और मंत्री जी से भी जब मीटिंग होगी तो मैं आपके नेताओं को बुलवा लूंगा और टाइम मांगकर मंत्री से भी डायरेक्ट मीटिंग कराऊंगा। ये भी एक कामगार इंडिया जो आपके सामने पत्रकार हैं ये अपना एक चैनल चलाते हैं पत्रकार अपने अखबार निकालते हैं मैगजीन निकालते हैं सुबह से हमारे बीच में हैं हमारी पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दूसरे साथी ये देखिए हमारे साथ में बहुत ईमानदार जो टीवी का न्यूज चैनल चलाते हैं और भी दूसरे साथी हैं इनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने आपके बीच में आकर ये हमारी आवाज है हमारी आवाज यही नहीं रहेगी ये हिंदुस्तान में हर इंसान के पास जाएगी हर नेता के पास जाएगी कि हमारे देश का लाल वर्दी वाला कुली जो स्टेशन के ऊपर इंक्वायरी इंस्पेक्टर का काम करता है जो इंस्पेक्टर वो टीटी का काम करता है कोई भी पैसेंजर इंक्वायरी पर नहीं जाता है वो लाल वर्दी वाले को देखता है पंजाब मेल कहाँ आ रही है फ्रंटियर मेल कहाँ आ रही है। ये आप लोग रेलवे की इमेज बनाए हुए हैं और मैं समझता हूँ कि आप ईमानदारी की कमाई खाते हैं भगवान कुदरत आपकी मदद करेगा और आप इस लड़ाई में सफल होंगे और इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं इस लड़ाई को आगे पूरे आपके हित में आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर जब तक नहीं आएगा तब तक संघर्ष हमारा जारी रहेगा। इसके बाद आप लोग दो दो दिन से चले हुए घर से ये दिल्ली हाई कोर्ट में प्रदर्शन किया आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में प्रदर्शन किया अगले महीने में 20 जुलाई को पूरा दिल्ली बंद होगा सारे मजदूर यहाँ पर इकट्ठे होंगे आपके साथ। इसलिए दोस्तों उनकी लड़ाई में भी मेरी शुभकामनाएं मेरे को वहां होना चाहिए था परंतु मैं आपकी वजह से वहां पर नहीं गया मेरे को आपकी लड़ाई पहले लगती थी इसलिए नारायण सिंह को वहां पर भेजा नारायण सिंह ने हिंदू सभा की तरफ से वहां पर उनको संबोधन किया। मैं इन सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए नारायण सिंह का दिल्ली के सेक्रेटरी उनका स्वागत करेंगे राजेंद्र जो हमारे दिल्ली के सेक्रेटरी हैं एचएमएस के एक और दोस्तों